सर बहुत खुशी हो रहा है। दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई और शिक्षकों की मेहनत, उनका सपोर्ट है सर, माता पिता और शिक्षक। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है सर, बहुत खुशी हो रहा है। जी 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 सर, और बहुत ही बढ़िया रहा, आप सब लोगों से बात करने का मौका मिला। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है और दरियापुर सारण जिला मतलब छपरा जिला की रहने वाली बिटिया जो है सिमरन गुप्ता हमारे साथ है, जो कि साइंस में सेकंड टॉपर बनी है। तो इनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है इनका स्ट्रेटजी क्या था, कैसे तैयारी करती थी और कैसे जो है ये पढ़ाई करती थी कि सेकंड टॉपर बनी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ये बताइए कि आपने कैसे तैयारी किया था कि आप सेकंड टॉपर बनी। सर दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई और शिक्षकों की मेहनत, उनका सपोर्ट है सर। सारा जो है वो मेहनत दिन रात पढ़ाई का ही है सर। पढ़ाई सही दिशा में मेहनत है सर। सही दिशा में मेहनत किया। जी। अच्छा, आप किनको श्रेय देना चाहेंगे, कौन आपके पीछे जो है इतना सपोर्ट किया कि आप सेकंड टॉपर बने। सर माता पिता और शिक्षक। माता पिता और शिक्षक। क्या नाम है शिक्षक का? सर उमेश कुमार। कोचिंग चलाते हैं? जी। क्या नाम है कोचिंग का? दी पाठशाला कैंपस। अच्छा, तो वहीं से आप पढ़ाई करती थी? जी। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर मैथ्स। मैथ्स, यस। और सबसे ज्यादा नंबर किस में आया? सर अभी तक मार्कशीट नहीं देख पाए हैं। मार्कशीट नहीं देख पाए, कितना नंबर आया टोटल? सर 477। अच्छा, स्ट्रेटजी की बात करें हम, तो स्ट्रेटजी में आप क्या शेयर करना चाहेंगी उन लोगों से जो तैयारी कर रहे हैं अगले साल जो है इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगी? सर सही दिशा में मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत से सर कर सकते हैं। अपनी मेहनत से कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, थोड़ा सा आप नर्वस भी हैं, खुशी का नर्वसनेस है, आंसू है या लोग आ चुके? खाना पीना नहीं खाई है। खाना पीना नहीं खाई है? जाती है परसा, 3-4 घंटा के बाद आती है। जो केवाईपी चल रहा है उसमें अभी कर रही है। अच्छा, मतलब परसा भी पढ़ाई करने समय से आई या रिजल्ट आ गया? केवाईपी जो बिहार सरकार का चलता है, सात निश्चय योजना, उसका केवाईपी में इसका एनरोलमेंट है, वही कर रही है अभी फिलहाल। अच्छा सर, इसके स्ट्रेटजी की बात करें तो कैसे तैयारी करती थी, क्या स्ट्रेटजी आपने लगाया था इनके पीछे? स्ट्रेटजी था सर कि इसको मैंने कहा था कि आपको एक डायरी तैयार करनी है जिसमें आपको डेली लिखना है कि सुबह आपने क्या किया, दोपहर आपने क्या किया, शाम आपने क्या किया, सोने से पहले क्या किया। तो ये मुझे, मैं कभी भी इसका एट ए टाइम कभी भी इसका डायरी चेक कर लेता था। तो इसके डायरी में हमेशा अपडेटेड रहता था कि सुबह मैंने ये चैप्टर किया, दोपहर मैंने ये चैप्टर किया, शाम को ये चैप्टर किया, रात को ये चैप्टर किया। इसी स्ट्रेटजी के साथ रेगुलर रिवीजन, टेस्ट में हमारे कोचिंग की सबसे हाईएस्ट स्कोरर थी, तो टेस्ट का नतीजा है और वही स्ट्रेटजी है, लगन है और लोगों को पिछली बार के रिजल्ट्स के मुकाबले जवाब देना था, तो यही है कि जिसकी बदौलत ये अभी खड़ी। पिछली बार मैट्रिक में मतलब चूक गई थी क्या? यस सर, थोड़ी सी कमी रह गई थी। कैसी कमी रह गई थी? सर 467 मार्क्स थे, डिस्ट्रिक्ट में रैंक था, पर सबको उम्मीद थी कि बिहार में आ सकता है इंटरव्यू के कारण। मतलब अब जो है बहुत सारे लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, उन लोगों से क्या कहेंगे? सर सभी को धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। अच्छा, स्कूल में आप पढ़ती थी तो उस समय कोई ताना वगैरह भी मारते थे कि हाँ ये लड़की क्या टॉप करेगी? नो सर, ऐसा कुछ नहीं था। यस। अच्छा, उन लड़कियों से क्या कहेंगी जो आज भी चूल्हा चौकन बर्तन में ही रह जाती है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती है? सर उन लोग को आगे आना चाहिए, अपने लिए खड़े होना चाहिए और फ्यूचर अपना बनाना चाहिए। धर्मेंद्र गुप्ता जी हैं, उन्हीं की बच्ची सिमरन की है, पूरे बिहार में टॉप। अच्छा माता जी, आप कैसे तैयारी करवाती थी? देखिए सांसद महोदय का फोन आया है और बातचीत हो रहा है इनके जो सिमरन गुप्ता है इनके। देखिए लगातार जो है राकेश सिंह जी हैं जो बात करवा रहे हैं सांसद महोदय से। जी सर, बहुत ही बढ़िया रहा, आप सब लोगों से बात करने का मौका मिला। जी सर, से आएंगे एक दिन कार्यक्रम बना करके और आप लोगों से बातचीत करेंगे। जी सर, सिमरन को दे रहे हैं लॉर्ड स्पीकर, बड़ी संख्या में लोग हैं, आपका आशीर्वाद का बोलो, बात करो। गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्कार, क्या हाल चाल है? सर बढ़िया सर। कांग्रेचुलेशन सब लोग को, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए सांसद महोदय ने अभी बातचीत किया डायरेक्ट सिमरन से, क्या कुछ, कितना खुशी हुआ आज सांसद महोदय खुद आपसे बात कर रहे हैं। सर बहुत खुशी हो रहा है। कभी सोची थी कि सांसद महोदय का फोन आएगा, लोग आएंगे? नो सर, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। पिताजी है जो दुकान चलाते हैं, छोटा मोटा दुकान है, और कितना खुशी हो रहा है आपको? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है सर।
बहुत खुशी हो रहा जी जी। अच्छा सांसद महोदय का ही फोन आया था, बातचीत हुआ है, कितना खुशी है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कभी सोचे थे कि बेटी के कारण जो सांसद हमारे घर पे आएंगे, उनके लोग हमारे घर पे आएंगे? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था सर। अच्छा आगे चल के क्या बनना है सर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर ही क्यों बनना है, दूसरा IAS IPS क्यों नहीं? टू हेल्प द गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू, IAS के बारे में बाद में सोचा जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पिताजी का बिजनेस देख रहे हैं तो इसी के कारण जो है इनकम टैक्स? नो सर, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं ना? नो नो सर, पिताजी का जो है दुकान है तो उसी को देख कर हम इनकम टैक्स ऑफिसर जो है ना, बड़े पापा के। हाँ बोलिए बोलिए सर। एक मेरा और है नाती, इनके बड़ा भैया का, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना हुआ है। बना हुआ है सर, तो इसी के लिए भी बनना चाहते हैं। बोलना चाहे तो अच्छा है। चलिए तो ये नाना जी हैं, बाकी राकेश सिंह जी आए हुए थे, सांसद महोदय जी से बात हुआ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से शिवरण गुप्ता के बारे में, कमेंट में जरूर बताएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय बिहार।